रायपुर से बता रहे हैं, बस संचालकों का बसें चलाने को लेकर इनकार कर दिया है। जी हां, बस संचालकों ने बसें चलाने से इनकार कर दिया है। रायपुर की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मांग पूरी ना होने पर बस संचालक बस ना चलाने से चलाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब बस चलाने से इनकार कर दिया है उन्होंने। 6 माह का टैक्स और किराए में बढ़ोतरी की मांग है उनकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बस संचालकों का बस चलाने से इनकार हो गया है। उन्होंने इनकार इसलिए किया है क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। 6 महीने का टैक्स और किराए में बढ़ोतरी की मांग को लेकर इनकार किया गया है। इसी के साथ निधि जुड़ चुकी है रायपुर से हमारे साथ लाइव। तो निधि, क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट है? इस आदेश के अनुसार राजधानी में अब बसें चल सकेंगी, छत्तीसगढ़ में अब जो बसें हैं वो चल सकेंगी, जिसे लेकर के आदेश जारी किया गया था। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो शॉपिंग मॉल, होटल, इसे भी खोले जाने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर आपको बताएं तो बसों के मामले में जो बसों के मालिक हैं, उन्होंने अब बस को राज्य सरकार के आदेश के बाद भी न चलाने के लिए कहा है। यानी कि छत्तीसगढ़ में, राजधानी में अभी बसें नहीं चलाई जाएंगी, क्योंकि कुछ मांग जो है वो राज्य सरकार के समक्ष रखी थी बसों के मालिकों ने, जिस पर अभी राज्य सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। जिसे ध्यान में रखते हुए जो बस के मालिक है, उन्होंने कहा है कि अभी हम बस नहीं चलाएंगे। अगर मांग की बात करें तो मांग कुछ इस प्रकार से है कि आगामी लॉकडाउन की अवधि में आगामी 6 माह तक टैक्स फ्री करने की मांग की है बस के मालिकों ने। और इसके साथ ही जिस तरह से डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है, तो डीजल की कीमत के अनुपात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के बस किराए में वृद्धि की जाने की मांग की है बस के मालिकों ने। और इसी के साथ जो नॉन यूज बसें हैं उसे खड़ी करने के लिए भी टैक्स वसूली ना की जाए, और नॉन यूज बसों को खड़ी करने के लिए टैक्स की अनुमति जो है वो ना दे राज्य सरकार। इन तमाम 3 मांगों को लेकर के जो बस के मालिक है, उन्होंने मांग रखी है राज्य सरकार के समक्ष। और उनका कहना है कि जब तक उनकी ये 3 मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, राजधानी में बसें नहीं चल पाएंगी। क्योंकि हाल ही में पिछले दिनों हमने देखा था कि जिस तरह से राज्य सरकार ने गाइडलाइन के साथ बसों को चलाने जाने की अनुमति दी थी, लेकिन उसमें 1.5 लाख की डीजल एक दिन में खपत होने के बावजूद भी केवल 1925 रुपए जो है बस मालिकों को इसका मुनाफा मिला था, जो कि काफी उनके लिए लाभदायक नहीं साबित हुआ था। और जिस तरह से बसें चल रही थी, बसों में काफी जितने यात्री बैठते उनके साफ आधे यात्रियों का बैठना किराए वैसे के वैसे थी, क्योंकि उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। उल्टा जो बस मालिक थे उनके डीजल के ज्यादा खपत हो रहे थे, जिसे लेकर उन्होंने बस चलाना पूर्णतः बंद कर दिया। लेकिन वहीं अगर कल शाम की बात करें तो राज्य सरकार ने कल देर शाम आदेश जारी किया गया है, जिसमें बसों को चलाए जाने की भी अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन वहीं अब जो बस मालिक है, उनकी ये जो 3 मांगे हैं वो पूरी ना किए जाने पर उनका कहना है कि हम बस नहीं चलाएंगे। जब तक राज्य सरकार द्वारा उनकी ये 3 मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वे बसों का चालन नहीं करेंगे, क्योंकि इन 3 मांगों को पूरी करना, जो बस मालिक है उनका कहना है कि 3 मांगों को पूरी करना आवश्यक रूप से सही भी है, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान उन्हें सोशल डिस्टेंस का, गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से पालन करके ही यात्रियों को अपने बसों में बिठाना है। तो इस तरह से अगर वो बसों को चलाते हैं तो उन्हें कोई मुनाफा नहीं होगा, एक एवरेज जो बोलते हैं वो भी उनकी कमाई नहीं हो पाएगी, इससे केवल उन्हें नुकसान ही पहुंचेगा। जिसे ध्यान में रखते हुए अब सभी मालिकों का कहना है कि आगामी लॉकडाउन के आगामी 6 माह तक के टैक्स फ्री किया जाए, डीजल की कीमत में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के किराए में वृद्धि की जाए, और उसके साथ की जो नॉन यूज बसें हैं उसे खड़ी करने के लिए भी टैक्स वसूली ना की जाए। तो ये राज्य सरकार से मांगे हैं बस मालिकों की, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी इनका कहना है कि ये बसों को नहीं चलाएंगे। इसी के साथ हम आपको बता दें अनन्या कि इसके अलावा राज्य सरकार ने शॉपिंग मॉल और होटलों को खोले जाने की भी अनुमति दी है। जाहिर से बात है जब अनुमति दी गई है तो इसके साथ गाइडलाइन भी राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। लेकिन वहीं अभी भी जिम और जो स्विमिंग पूल है, इस तरह के जो चीजें हैं वो अब तक के वैसे ही उस पर पाबंदी बनी रहेगी। इन्हें खोले जाने का किसी तरह से कोई अनुमति अब तक फिलहाल तो नहीं दी गई है, केवल होटल और शॉपिंग मॉल को ही
खोले जाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है। तो कल देर शाम इस तरह का बड़ा फैसला एक राज्य सरकार ने लिया है और एक तरह से देखा जाए तो लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला और एक अहम फैसला लिया है। कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी दिन से इंतजार था कि कब शॉपिंग मॉल खुलेंगे, कब वे शॉपिंग मॉल जाएंगे। काफी दिनों से चर्चा भी चल रही थी, बार बार सवाल किए जा रहे थे कि कब शॉपिंग मॉलों को खोला जाएगा, बसों को चालू किया जाएगा। तो इस तरह से कल देर शाम राज्य सरकार ने आदेश जारी किया जिसके अकॉर्डिंग शॉपिंग मॉल और बसों के संचालन, इसी के साथ होटलों को भी खोले जाने का आदेश राज्य सरकार ने दिया। लेकिन हाल फिलहाल अभी बसों का संचालन नहीं किया जाएगा क्योंकि बस के मालिकों द्वारा जो मांग रखी गई है वो अब तक पूरी नहीं हुई है। जब तक राज्य सरकार के समक्ष ये मांग वो रखते हैं और जब तक राज्य सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है, बस मालिकों का यही कहना है कि बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। जी निधि, ये मांगे जो है कब रखी गई थी? इसके पहले भी जब राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि अब राजधानी में जो है बसें चल सकती है, सिटी बसों को आदेश दिया गया था, तो इसके पहले लॉकडाउन की अवधि, जब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था और लॉकडाउन के समाप्त होने के पहले जब अनलॉक चालू हुआ था, उसी समय जो है राज्य सरकार ने इस तरह की मांग, इस तरह की गाइडलाइन को जारी करते हुए ये रखा, बसों को चालू करने का आदेश राज्य सरकार ने दिया था सभी बस मालिकों को। लेकिन इसके बावजूद भी उस समय भी जो मांगे थी वो बस मालिकों की मांगे पूरी नहीं हो सकी थी। और अब जब आदेश जारी कर दिया गया है कि राजधानी में अब बसों का संचालन किया जाना है, तो इस बार भी इनकी ये मांगे अब तक पूरी नहीं किए गए। मतलब आपको बता दें कि उस समय की जो मांगे थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है बस मालिकों की, क्योंकि उसी समय उन्होंने दो दिन केवल बस को चलाने के बाद बस चलाना बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये जो तमाम तरह की मांगे हैं वो नहीं की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। कल देर शाम आदेश निकालने के बाद भी इस तरह के निर्णय पर या बस मालिकों के इस मांगों पर किसी तरह की कोई चर्चा, कोई निर्णय नहीं लिया गया, और इसी की वजह से एक बार फिर आदेश जारी होने के बावजूद भी अब जो ट्रक के मालिक हैं वो, जो बस के मालिक हैं वो बसों को चालू नहीं करेंगे और संचालन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। आज से, अगर आदेश के हिसाब से अगर हम देखें तो आज से बसें चलनी थी, बसों का चलना प्रारंभ हो जाना था, लेकिन वही बस मालिकों की नाराजगी एक तरफ से बोली जा सकती है क्योंकि उनकी मांग पूरी नहीं की गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल जो बसों का संचालन है वो छत्तीसगढ़ में, राजधानी में नहीं किया गया है। जी धन्यवाद निधि जी आपको तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ